स्वागत है आपका मेरा वार्ड मेरी समस्या में। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 19 में आने वाले जगन्नाथपुरा इलाके की। ये गांव कोटा बारा रोड पर स्थित है, लेकिन गांव में ना कभी कोई सफाई होती है ना ही लोगों को सुविधा मिलती है। गंदगी और कीचड़ के कारण लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद कभी यहां के हालात नहीं देखता, सिर्फ चुनाव के समय लोग आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के पास कीचड़ व गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पास में नाला होने से बरसात के समय यहां से निकल तक नहीं सकते। अभी भी काफी गंदगी है। गंदगी के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा कभी शिकायत नहीं की गई हो। वार्ड पार्षद व उच्च अधिकारियों को शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। पार्षद ध्यान नहीं देता है और यहाँ नाले में गंदगी हो रही है। इधर ये स्वास्थ्य केंद्र है, उपस्वास्थ्य केंद्र, इसके पीछे पानी वानी भरा है। मच्छर वच्छर की बीमारियां चल रही है, मलेरिया वलेरिया डेंगू वेंगू, इन पे कोई ध्यान नहीं देते हैं स्वास्थ्य के लिए। और ये गंदगी हमेशा ऐसी रहती है। इधर नाले वाले की कोई सफाई नहीं हो रही। जगन्नाथपुरा नहीं, मतलब कभी त्योहार आता है तब जाके सफाई होती है। बरसात में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, कचरा सड़ जाता है नाले पे। मतलब यहाँ पे नाला है थोड़ा नीचा, उसका मतलब ही नहीं इसको ऊंचा कराया जाए। बरसात आती है तब निकलना मुश्किल हो जाता है। बदबू की वजह से यहाँ से निकल नहीं पाते लोग बाग, और कचरा सड़ रहा है बहुत दिनों से, सफाई नहीं करवाते कोई भी। सर यहाँ सफाई की कोई सुनाई नहीं। इस गाँव में सफाई करने के लिए आते नहीं करते, तो बाहर आते जब त्योहार आते हैं, जब आते कोई एमएलए से मिले आते हैं, जब आते हैं सफाई के लिए उनके फोन पार्षद को कहा बोलते हैं। पार्षद को दो पांच दिन में फोन करवाते हैं, आता ही नहीं, कोई सुनाई नहीं। नाले साफ नहीं हो रही इस गांव की। अस्पताल के बाहर ही हालत है, तो किस तरह से लोग अस्पताल वाले वो एनएम दीदी उनके फोन करते हैं, सब करते हैं, कोई सुनाई नहीं। एनएम दीदी की नहीं सुनता, कोई की नहीं चलने देते उनको, उनके गाँव से मतलब इस गाँव से पड़ा है। ये तो हमेशा इतना ही रहता है यहाँ बरसात।